اور جیسے کہ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی مشورے دوست جا رہے ہیں خوش رہیں ماں باپ کا خیال کریں کہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے آج کے میرے ویڈیو آج کے میرے ویڈیو ہے دا سیکرٹ آف ہاؤس اس میں کہتے ہیں ہمیں کوئی آفیشیل ٹریلر ہے اس ٹائپ کے ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ اوکے گائز تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاؤس آف سیکرٹس دا بیوراری That's official trailer Netflix India society In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। आखिर तीन जनरेशन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं? और 11 लोगों का मर्डर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Obviously, some things went clearly very, very wrong. There were three generations living in one roof. Quite a typical family. Na hi aisi family milegi hame aur na hi humne dekhi hogi aisi family. Jis tarah se banyan tree ki jo shakhaein hoti hain usi tarah se wo colorful dupatte ke andar latke hue the. Ekdam se jo nazara tha andar ghuste hi first floor ke upar mere bhi rongte khade ho gaye. Dekhiye kahawat hai ki jo crime reporters hote hain unke andar emotions nahi hote hain. Jaise police wale hote hain na hum log bhi andar se hil gaye the. And here is this entire family that hangs itself. At least that's what we are told. And we know literally nothing about it. मन में टीस बड़ी उठती है। वो छोटे-छोटे बच्चे थे। उन्होंने क्या देखा? हम अक्सर अपने बच्चों की परवरिश वैसे करते हैं जब कहते हैं कि जो ये हमारे घर की बात है बाहर नहीं जानी चाहिए घर की सीक्रेट नहीं जानी चाहिए कोई फिर क्वेरी एकदम इज इट ए सुसाइड इज इट ए मर्डर And the answer is not simple, it's quite complex. जी जनाब बहुत ही रियलिटी बेस बहुत ही ज्यादा रियलिटी बेस अच्छा मुझे कभी कभी रियलिटी बेस कर मुझे इंस्पायर किया है ये सुनिए सर और मुझे नीचे मतलब बीच में और काफी फुटेजेस ऐसी लगी बीच में ऐसे वीडियो मतलब किस तरीके से मतलब क्या कहूँ मैं कि कुछ सीन्स ऐसे लग रहे थे कि जैसे बिल्कुल रियल हो रियल के साथ वो जब जब हम दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री होती है या हाँ। जैसे न्यूज की क्लिप है यानी कि जैसे न्यूज वालों ने बना दिया हो रियल इंसिडेंट के वो हमें दिखाया जा रहा है फिर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है और फिल्म की तरह जैसे फिल्म होती है ना फिल्म के अंदर बनावट होती है लेकिन आप इमेज करें तसव्वुर करें क्या समझे क्या समझे कि तीन जनरेशन होने एक साथ सोसाइटी एक ही एक ही वक्त में तीन जनरेशन में कैसे मतलब क्यों मर्डर है क्या इसकी पीछे की सोसाइटी बहुत ही खतरनाक बहुत ही मिस्टीरियस थ्रिलर सब कुछ इसके अंदर छुपा है और बनाने वाले ने बहुत खूबसूरत तरीके से रियलिटी करके रियल करके दिखाया और आने वाले वक्त में हम इसी तरह की मूवी देखते हैं और देखेंगे क्या बनावट है ये स्टार्टिंग पास है वैसे ये सबसे पहले मैंने नोट किया था मिर्जा हाउस अच्छा मैंने देखा कि अब ये फिल्म है या ये वाकई ये लोग उसी वक्त की बातें कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने वाले ने कर लिया हां हां एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है बातें कर रहे हैं और जैसे इंसिडेंट हो रहा है और रिकॉर्ड हो गया तस्वीरें देखी तो जो रियल ऐसा लगता था कि कोई तस्वीरें यूज की गई हैं यानी कि जो रियल लोगों के जो कोई भी फैमिली पिक्चर्स हैं मैं आपको कह रही हूं पीछे मौका था कि हम किसी मूवी का ट्रेलर देखें या फिर ऐसा तो नहीं हम कोई
इनकी फोटोग्राफी देख रही है, फुटेज देख रही है, मुझे ऐसा नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 100% रियल इंसिडेंट्स पे है, मुझे ऐसा लगता है। हां दिल्ली में बता तो कोई शॉट नहीं है ये, तो ऐसा है कि देखने की ये मतलब मेरे नहीं, मैं ये कहूंगी कि मेरी तो जस्तजू जो होती है वो बढ़ गई है कि मैं कब मैं देख पाऊंगी, मुझे लास्ट ही देखनी है, लास्ट ही लास्ट देखनी है। ये डॉक्यूमेंट नेटफ्लिक्स पे, हां नेटफ्लिक्स जब से आया, अमेज़न जब से आए, तो एक ट्रेंड ही चेंज हो गया वेब सीरीज पे। और आगे पहले मूवीज होती थी, उसके बाद अब वेब सीरीज आ गई, और वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा लोगों को घर के अंदर सेट हो रहा। अच्छा मैं एक बात बोलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद इतना सोच विचार, शायद इतनी थिंकिंग, इतने थॉट्स, इतनी मेहनत एक मूवी पे भी होती होगी, जितनी मैं आजकल वेब सीरीज पे देख रही हूँ, इतनी हार्ड वर्किंग, इतनी इतनी सी चीजों का ख्याल रखते हैं। उस मूवी से ज्यादा एक्सपेंसिव वेब सीरीज क्या है? अच्छा मुझे 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 लग रहा है ज्यादा पैसे बन रही है। और पाकिस्तान में मैंने सुना था कि नेटफ्लिक्स वाले आए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, नेटफ्लिक्स वाले आए थे पाकिस्तान में कराची में प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे कुछ राइटरों की टीम बुलाई जिनको लीड कर रहे थे हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं अनवर हुसैन साहब, तो एक टीम बिठाई गई थी जिनसे डिस्कस कराची को लेके। तो एक सिंगल प्रोड्यूसर मतलब कुछ प्रोड्यूसरों ने मिल कर एक अकाउंट बनाया जो नेटफ्लिक्स को सिक्योरिटी के तौर पर शो कर रहा था कि एक अकाउंट है कंपनी का, उस अकाउंट में पैसे कितने हैं, तो हम आपको ये प्रोजेक्ट देंगे। मैंने सुना था कि दो प्रोजेक्ट पे नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में काम करने के लिए रजामंद है। एक प्रोजेक्ट था मोहनिया दौर पे, यानी कि जो बादशाहों का दौर था उसके ऊपर वेब सीरीज में इंटरेस्ट था, नेटफ्लिक्स पाकिस्तान को लेके। और सेकंड लियारी किंग मोर पे, यानी एक हमारे कराची का एक इलाका है बच्चों का जो बहुत ही ज़्यादा गेंग्स पर आए, वो इस तरह की चीज़ें थी। किसी ज़माने में दो ग्रुप थे मूवीज इंडिया में, इसमें मूवीज बनी इंडिया में, इसमें मूवीज बनी है जिसमें दो ग्रुप थे जिसके गेम वॉर मतलब गेम वॉर यारी में जो हम इंडियन मूवीज जैसे देखते हैं ना, उस तरह के रियल गेम वॉर लड़ने या देखे हैं अपने आंखों के सामने लोग बदले, इसमें बदले लिए जाते थे उससे उससे मार लिए। अभी भी थोड़ा बहुत तो बहुत हद तक नगर अभी बाप टैग के लोग जोर इस तरह की यारी में बहुत ही चीज़ें थी। तो नेटफ्लिक्स का वो प्रोजेक्ट नहीं हो सका, वाई ये सात आठ प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक अकाउंट बनाया था जो रकम का शो शो ओ माय गॉड, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि नेटफ्लिक्स वालों को एक अकाउंट में इतनी रकम शो नहीं कर पाए, तो वो प्रोजेक्ट नहीं हो सका। एक नॉलेज थी मैंने आप लोगों को दे दूँ। और ये इतने सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर भी शो कर पाए, एक काफ़ी खराब अरब पाकिस्तानी जेब में अरबों में अकाउंट शो में नहीं, तो वो रकम शो नहीं हो पाई थी मतलब वो प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन दो सब्जेक्ट बुक करना चाह रहे थे, एक मुलिया दौर जो पूरा एक दौर गुजरा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और एक लियारी। खैर बहरहाल बहुत ही रियलिटी दिखाई जाती है वेब सीरीज में, और वेब सीरीज दूनी से ज़्यादा बेहतर होती है और लोग अगर उनके दीवाने। अच्छा मैं एक चीज़ देख रही हूँ, लियारी से अब बात की हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ से ज़्यादातर रैपर्स आ रहे हैं, जिधर पूरी दुनिया में बलोच है, ब्लैक लोग ये सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं। आप अमेरिका में भी देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में देख रहे हैं, इनकी जीन्स के अंदर फुटबॉल मतलब मेरी बिहार के काला बंदा है, ब्लैक है, बलोच है, और अफ्रीका का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये बड़ी रिजेंबलेंस होती है कि अफ्रीकन से नहीं सरसरत में नहीं, हाँ। कि अफ्रीका अफ्रीका में भी हाँ। सफेद भी और काले भी, ठीक है कि काला भी कॉमन काले का बलोच है हमारे, बलोच भी दो तरह के हमारे यहाँ सारे काले भी नहीं होते, लेकिन मैंने ये देखा है लियारी के बलोच हो, अफ्रीका के हो, अमेरिका के हो, कहीं भी हो, इनके अंदर डांस, इनके अंदर सिंगिंग, इनके अंदर फुटबॉल, ये चीज़ तो समझ टैलेंट पैदा की है, उनके अभाव अजदाद जो पुराने थे ना उनके अंदर से इनके अंदर चली आ रही है। अच्छा इनके ये कह सकते हैं इनके ब्लड में शामिल है, बहुत टैलेंटेड। अच्छा अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए या मिसाल के तौर पर इनको तालीम ये सारी चीज़ें दूर हो जाए
तो की क्राइम मतलब यही होता है। अमेरिका में भी दूसरे कंट्रीज में भी क्राइम यही लोग कर रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं, लूट रहे राष्ट्र में बाहर मिस्टर मिस्टर करने के बहुत मुश्किल है। तो आप इतने इतने खर्चों के साथ भी घूमते हो, मेरे भाई बता रहे हैं किसी कंट्री में गए थे बता रहे थे कि वहाँ पर अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में ये लोग घूमते हैं काले लोग ब्लैक लोग, लेकिन यही लोग टेलीफोन भी होते हैं और इन्हीं में से एक शख्स सदर बाबा भी बने मतलब अमेरिका लेकिन ये भी उनकी पूरी हिस्ट्री है, इनके साथ भी बड़े जुर्म हुए बड़े मिस्टर बसा पूरी दुनिया में। तो खैर ये अलग डिबेट शुरू हो जाएगी, लेकिन मैंने ये सोचे नहीं, तो मैंने अक्सर ये सोचा है कि बाकी इनके अंदर टैलेंट है, फुटबॉल इनके अंदर है, छोटे-छोटे बच्चे और इनके बाकायदा पूरी दुनिया में जो फेमस रैपर है मैंने देखा है वो इनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। मैंने सुना है कि जो फेमस रैपर है पूरी दुनिया के उन तक का भी इनसे कॉन्टेक्ट हुआ है, ये भी सुना है। खैर बात कहाँ से थी, तैयारी निकल गई, यात्रा ही निकल गई। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी, दोबारा इस वीडियो के साथ सुनने के लिए धन्यवाद।